अल्लाह मिन शैतान वजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने लगे हैं आलू मटर का शोरबे वाला सालन। जिसके लिए मुझे चाहिए प्याज, और ये है मेरे पास लहसुन जो मैंने छील के रखा हुआ है। ये आलू है 1 किलो मैंने छील के रखे हुए हैं, ये मटर है 1 किलो दाने निकाल के रखे हुए हैं, ये टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अभी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के लहसुन और प्याज को मैं गलने के लिए रख दूंगी। ये 2 मिनट में थोड़ा सा गल जाएगा, फिर उसे ग्राइंड कर लूंगी। पानी गर्म हो गया है, ये अंदर लहसुन और प्याज जो मैंने डाला है इसको बॉयल थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है। बस 2 मिनट इसको रखना है, ऊपर मैं कवर दे देती हूँ। पानी जो मैंने थोड़ा सा डाला था वो खुश्क हो गया है, और मैं अभी इसे ग्राइंड कर लेती हूँ इसके साथ। साथ ही हम टमाटर और अदरक, और मेरे पास 6 मिर्चें थी सब्ज़, ये छोटी छोटी थी इसलिए मैंने 5-6 डाली हैं। इनको काट करके ये भी डाल दूंगी, और साथ ही इसको ना ग्राइंडर के साथ ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया जैसा मुझे चाहिए था। ये बिल्कुल पेस्ट बन गया है, क्योंकि ये शोरबे में नज़र ना आए इसलिए इसको बिल्कुल मैंने ऐसे ना पेस्ट बना लिया है। अब इसके में अंदर घी डाल के ऐसे पकाते हैं। अब मैं डालती हूँ ऑयल। ऑयल आप शोरबे वाले सालन के अंदर काम ही डालते हैं, इसलिए अब मसाले डालती हूँ। चलिए जी, इसके अंदर मसाले डालते हैं। नमक 1.5, और ये है मेरे पास चिली फ्लेक्स, दादर मिर्चें 1 चम्मच ये डाल देंगे। मैं ब्लैक पेपर ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसलिए 1 चम्मच ये डाल दूँगी। ये है मेरे पास हल्दी पाउडर, ये डाल देंगे। ये डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे, फिर इसके अंदर सब्ज़ी डाल देंगे। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर मटर और आलू डाल के अच्छे तरीके से इसकी बनाई करूँगी। मैं अब इसे भून रही हूँ, 5-6 मिनट तक इसे भूनूंगी, जब तक ये बाहर नहीं आ जाता। तो साथ मैंने मेरे पास है ये धनिया, इसे मैं कूट के अच्छे तरीके से इसके अंदर फिर डालूँगी। तो ये धनिया है जो मैंने कूट के रखा है, ये 2 चम्मच है। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, जैसे हम ग्राइंडर में चॉप कर लेते हैं ना, टेस्ट नहीं इतना अच्छा आता। जैसे हल्का हल्का आप इसे कूट के डालते हैं तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया, पूरे 5-7 मिनट इसे मैंने अच्छे तरीके से भुना। ये देखें मसाला, आपको कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, लहसुन प्याज अदरक टमाटर ये सारे ग्रेवी ग्राइंड करने से इतनी मज़े की ये ग्रेवी बन गई है। अब इसके अंदर हम डालते हैं गर्म मसाला, 1 चम्मच गर्म मसाले का पाउडर मेरे पास है वो डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, इतना पानी डालूंगी कि अंदर डिप हो जाए, बस इतना पानी चाहिए। ये डाल के इसे 2-3 बॉयल आने के बाद इसके अंदर धनिया डाल दूँगी। अब इसके अंदर धनिया डाल देती हूँ, इसकी मैंने कटिंग करके रखी हुई है। ये धनिया डाल के इसे थोड़ी देर पकने दूंगी, फिर इसे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है। अब मैं इसे कवर दे के 2-3 मिनट वेट करती हूँ बॉयल आने तक। बॉयल आ जाता है फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतना मज़े का ये बना है, ग्रेवी चेक करें आप, बहुत मज़े का। मेरा दिल करता है अभी इसे खा लूँ। देखिए माशाल्लाह, चेक करें आप ये कैसा बना है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।